हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हीरो मोटो के शेयर के बारे में। अगर आप इस शेयर को बाय करना चाहते हैं बट आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप इस शेयर का टारगेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हो और आप किसी भी शेयर को कंफर्म बाय नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइज आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। चैनल पे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बाद गाइज आप प्लेलिस्ट में आ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आते हैं आपको ये काफी सारे लिस्ट मिलेंगे, बट आपको ये दो लिस्ट पे फोकस करना है। अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स को बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं गाइज, तो मैंने यहाँ पे जो शेयर आपके सामने क्लियर किया, आप यहाँ से भी अपने शेयर को क्लियर कर सकते हैं अपना, और प्रॉफिट बना सकते हैं शेयर को बाय करने के बाद। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए अगर शेयर को बाय करना चाहते हैं, तो गाइज आप ये वाले प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ से मैंने जो शेयर आपके सामने क्लियर किया, आप भी अपने शेयर को वीडियो को व्यू कर क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप शेयर को बाय करना चाहते हैं तो बाय कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आज के इस वीडियो में ये शेयर्स के बारे में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ इस वीडियो में ये 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं। नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं इसका इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग और हीरो मोटो का जो प्राइस अर्निंग चल रहा है, मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस किया है। नंबर सेकंड में गाइज आप देख सकते हैं हीरो मोटो का जो परफॉर्मेंस रहा है, 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, और टोटली 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस रहा है, मैं वो आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। नंबर थर्ड में आप गाइस देख सकते हैं फाइनेंशियल जो इसका नेट इनकम रहा है 2020 का क्वार्टरली का चार्ट लगाकर, मैं आपको इसका जो नेट इनकम क्लियर हो रहा है मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा। नंबर फोर में हम गाइस देख सकते हैं आप शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर्स के पास, FII के पास, DII के पास, और टोटल पब्लिक के पास कितने परसेंट तक का शेयर होल्डिंग अभी है, हम इसमें ये भी क्लियर करेंगे। नंबर फाइव में गाइस देखते हैं हम तो चार्ट पे, आपको रियल चार्ट पे मैं इसका टारगेट एंड सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर करने वाला हूँ कि अगर ये अप ट्रेंड बना रहा है तो इसका टारगेट क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो यहाँ से बाई करने के बाद ये टारगेट इसका क्या हो सकता है, कहाँ तक ये जा सकता है, और इसका सपोर्ट भी हम देखेंगे गाइस कि अगर ये डाउन ट्रेंड बना रहा है तो इसका सपोर्ट क्या हो सकता है, क्या क्या सपोर्ट बन रहा है, कहाँ तक ये डिप्स पर कितने पर ये डाउन ट्रेंड बना रहा है। नंबर सिक्स में हम गाइस देखेंगे इसका RSI और MACD, ये हमें सिग्नल देता है बाई करने का या फिर सेल करने का। तो RSI जो है हमें या फिर MACD जो हमें बाई करने का सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर सेल करने का सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये क्लियर मैं करने वाला हूँ इससे। और ये भी क्लियर करूंगा गाइस कि ये जो ट्रेंड है अभी अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड बना रहा है, ये भी मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। मैंने ये सारे पॉइंट्स काफी क्लियरली डिस्कस किए हैं, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, आपको काफी क्लियरली डिस्कस समझ में आ सकती है, और आप इस शेयर के बारे में काफी क्लियरली जान सकते हैं, और आप इस शेयर को बाय कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस अगर इसके प्राइस अर्निंग की बात करो, देखिए मैंने इसका इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग आपके सामने क्लियर किया है जो 22.58 है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो इसका इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग जो है 22.58 है, और जो ये हीरो मोटर का प्राइस अर्निंग है 21.31 है। तो ये गाइस आप देख सकते हैं इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग से जो है हीरो मोटर का प्राइस अर्निंग जो है अभी डाउन चल रहा है, कम चल रहा है, आपको सस्ते प्राइस पे जो है आपको शेयर मिल रहा है। तो गाइस अभी शेयर को बिल्कुल भी ना छोड़े, अगर आप शेयर बाय करना चाहते हैं तो श्योरली बाय कर सकते हैं, आपको ये सस्ते प्राइस में इंडस्ट्री प्राइस से आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। तो गाइस अगर इसके डिविडेंड की बात करें तो देखिए डिविडेंड भी आपको काफी अच्छा डिविडेंड देता है, 3.10 यानी कि 3.10% तक का ये आपको डिविडेंड देता है, तो काफी अच्छा है गाइस, आप इस शेयर को श्योरली बाय कर सकते हैं, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है। तो गाइज अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए मैंने इसका परफॉर्मेंस लगा रखा है आपके सामने, मैंने क्लियर किया है 1 वीक में, आप देख सकते हैं इसने परफॉर्मेंस 1.05% तक का परफॉर्मेंस क्लियर किया है। तो गाइज काफी अच्छा ये परफॉर्मेंस इसने क्लियर किया है 1 वीक में। अगर 1 मंथ की बात करें गाइज, तो आप 1 मंथ में देख सकते हैं 0.11%, तो इसने थोड़ा कम किया है, लेकिन गाइज कोई दिक्कत नहीं है, इसने 1 मंथ में भी काफी अच्छा इसने परफॉर्मेंस क्लियर किया है। तो अगर गाइस 3 मंथ की बात करें तो 3 मंथ में आप देख सकते हैं -13.49%, तो 6 मंथ की बात करें गाइस तो 6 मंथ में आप देख सकते हैं 3.23% तक का इसने परफॉर्मेंस आपके सामने क्लियर किया है। तो गाइस इसने 3 6 मंथ में 3 मंथ के अपेक्षा 6 मंथ में काफी अच्छा क्लियर किया है, और पीछे पहले से अपेक्षा इसने 6 मंथ में काफी अच्छा क्लियर किया है अपने परफॉर्मेंस को, आप देख सकते हैं 3.23% तक का परफॉर्मेंस आपके सामने क्लियर किया है। अगर गाइस 1 ईयर की बात करें तो आप 1 ईयर में देख सकते हैं 42.60 यानी कि 42.60% तक का शेयर क्लियर किया है इसने 1 ईयर में। तो गाइस ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, काफी अच्छा इसने शेयर को आपके सामने परफॉर्मेंस को क्लियर किया है। अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो देखिए मैंने हीरो मोटर का जो है फाइनेंशियल लगा रखा है, आप देख सकते हैं मैंने क्वार्टरली का यहाँ पे चार्ट लगा रखा है गाइस। अगर आपको मैं नेट इनकम क्लियर कर रहा हूँ तो देखो ये नेट इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर मैंने किया है Q4 2019 का, आप देख सकते हैं नेट इनकम जो है 6 बिलियन तक का इसने आपके सामने क्लियर किया है Q4 2019 में। अगर Q1 2020 की बात करें तो गाइस आप देख सकते हैं 591 मिलियन, तो इसने
बिलियन तक गाइस ये नहीं पहुंच पाया, मिलियन में ही अभी इसने 591 मिलियन तक इसने Q4 की अपेक्षा Q1 2020 में इसने क्लियर किया है 591 मिलियन। तो गाइस अगर आगे देखें तो Q2 2020 का आप गाइस देखते हैं तो ये 9.58 बिलियन। तो गाइस ये करीब करीब 10% लेकर चलिए, सॉरी 10 बिलियन लेकर चलिए, तो 10 बिलियन तक का इसने नेट इनकम दिया है Q1 के अपेक्षा Q2 में। आप देख सकते हैं काफी अच्छा इसने नेट इनकम क्लियर किया है। आप Q4 के भी अपेक्षा इसने Q2 में जो है काफी अच्छा इसने क्लियर किया है। तो गाइज अगर Q3 2020 की बात करें तो आप देख सकते हैं Q2 के अपेक्षा Q3 2020 में इसने काफी अच्छा नेट इनकम आपके सामने क्लियर किया है जो 10.19 बिलियन तक का है। तो गाइज काफी अच्छा नेट इनकम है। अगर ग्राफ की बात करें तो आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ ये जो है Q1 2020 का, Q2 2020 का और ये Q3 2020 का, इसने नेट इनकम को इंक्रीज किया है। तो आप देख सकते हैं हर ग्राफ को इसने इंक्रीज किया है, हर क्वार्टर में अपने नेट इनकम को है कुछ ना कुछ ये इंक्रीज किया है, अपने नेट इनकम को बढ़ाया है। तो गाइज अगर शेयर होल्डिंग की बात करें, देखिए मैंने यहाँ पे शेयर होल्डिंग का ये समरी और यहाँ पे ये ट्रेंड लगा रखा है। आप देख सकते हैं ट्रेंड में जो प्रमोटर्स के पास अभी दिसंबर 2020 का बात करें 24.76% तक का शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास दिसंबर 2020 में था गाइज। और मार्च 2021 की बात करें तो मार्च 2021 में आप देख सकते हैं 34.76। तो गाइज इसने जो शेयर को है जो इस अपने ना ही इंक्रीज किया है और ना ही घटाया है। तो गाइस इसने ना ही अपने शेयर को बढ़ाया और ना ही घटाया, अपने जितना ये शेयर पहले इसके पास था और अभी भी अपने शेयर को उतना ही 34.76% रखे हुए। तो FII की बात करें गाइस तो FII के पास आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में 35.89% तक का शेयर होल्डिंग रहा है FII के पास। और मार्च 2021 की बात करें तो 37.19% तक का शेयर होल्डिंग अभी ये प्रमोटर्स और FII के पास है। तो आप देख सकते हैं दिसंबर के अपेक्षा इसने मार्च में अपने जो है शेयर होल्डिंग को और बढ़ाया है, इसने इंक्रीज किया है और अभी करीब करीब तो ये 2% तक का शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है FII। तो गाइस अगर DII की बात करें तो DII के पास आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में 19.98 यानी कि 18 सॉरी 20% तक का शेयर होल्डिंग DII के पास दिसंबर 2020 में था। और गाइस मार्च 2021 की बात करें तो 18.67% तक का शेयर होल्डिंग मार्च 2021 में अभी DII के पास है। गाइज अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में 9.36% तक का शेयर होल्डिंग था। और गाइज मार्च 2021 की बात करें तो 37% तक का शेयर होल्डिंग है पब्लिक के पास अभी भी है। तो गाइज काफी अच्छा शेयर अभी सब लोग अभी होल्ड कर रखे हैं। तो गाइज अगर यहाँ पे क्लियर करें तो समरी में आप देख सकते हैं 34% तक का शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास, FII की बात करें तो 37% तक का शेयर होल्डिंग, और ये DII की बात करें तो 18% तक का शेयर होल्डिंग, और जो पब्लिक के पास है अभी 9% तक का शेयर होल्डिंग है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने वन डे के कैंडल के साथ हीरो मोटर का चार्ट लगा रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडल इसने गाइज बनाया है अभी बुलिश कैंडल बना रहा है, अप ट्रेंड बना रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो शेयर है अभी अभी जो ये शेयर है ये 3.59% से अप चल रहा है गाइज, ये अप ट्रेंड बना रहा है। तो गाइज लेकिन आप देख कर कह सकते हैं कि शेयर काफी डाउन ट्रेंड में काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होना चाहिए था तो इसने ट्रेंड रिवर्सल किया है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। तो गाइज अगर इसी तरह आगे बढ़ता है तो इसने देख सकते हैं आप इसका जो फर्स्ट सपोर्ट बन रहा था इसको ब्रेकआउट करके सॉरी आगे बढ़ा था, लेकिन ये अब इसको यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल किया और इसका जो फर्स्ट टारगेट इसका जो फर्स्ट सपोर्ट था इसने अचीव किया 2843 पे और इसको ब्रेकआउट करके आगे बढ़ रहा है। तो आप सेकेंड टारगेट इसका देख सकते हैं जो 2958 पे बन रहा है गाइज, हो सकता है इसको भी अचीव करके आगे बढ़े और अपना थर्ड टारगेट अचीव करे जो इसका 3108 पे इसका थर्ड टारगेट बन रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं काफी सारे टारगेट्स बन रहे हैं, इसका लास्ट टारगेट जो अभी बन रहा है वो 3580 पे बन रहा है गाइज, तो ये ओवरसोल्ड हो चुका है गाइज, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होना चाहिए था तो इसने ट्रेंड रिवर्सल किया है और अब ये अपने टारगेट को अचीव जरूर करेगा। ऐसा आप भी अपने इस कैंडल स्टिक को देखकर कह सकते हैं क्लियरली कि ये अपने टारगेट की तरफ जरूर बढ़ना चाहेगा क्योंकि ये ओवरसोल्ड हो चुका है गाइज। तो गाइज अगर RSI की बात करो, देखिए मैंने RSI लगा रखा है और RSI का ग्राफ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि RSI जो है अभी अभी आपको ये बाई करने का सिग्नल दे दिया है गाइज, इसने यहाँ पे सेल करने का सिग्नल दिया था लास्ट टाइम आप देख सकते हैं, और अभी ये आपको बाई करने का क्लियर सिग्नल दे रहा है गाइज। यहाँ पे आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये अभी 60 के पास में है, करीब में है। तो गाइज आप यहाँ पे अगर RSI के माध्यम से अगर आप RSI को इंडिकेटर को मानकर आप चलते हैं तो गाइज आप RSI आपको जो है बाई करने का सिग्नल दे चुका है। अगर आप बाई करना चाहते हैं इस शेयर को तो आप बाई कर सकते हैं। अगर आप RSI से पूरी तरह से कंफर्म नहीं है तो गाइज आप थोड़े थोड़े ही शेयर को बाई कर अपना
प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आप ये जो फर्स्ट कैंडल इसने बनाया है, आरएसआई ने आपको इंडिकेट भी किया है बाई करने का, तो आप यहाँ कुछ शेयर को ही आप यहाँ पे बाई करें, और अगला नेक्स्ट दो कैंडल अगर और बनाता है तो उसके बाद भी अगर आरएसआई आपको क्लियरली सिग्नल देता है बाई करने का, तो आप कुछ शेयर वहां पे भी बाई कर सकते हैं। तो आप कुछ कुछ शेयर को कुछ कैंडल्स के बाद ही बाई करें और अपना प्रॉफिट बनाए। आपको एक एवरेज बना करके देगा गाइस, आपको वो लॉस नहीं होने देगा, काफी अच्छा एवरेज देगा और आपको प्रॉफिट बना कर देगा। तो गाइज अगर एमएससीडी की बात करें, देखिए मैंने एमएससीडी लगा रखा है और एमएससीडी का ग्राफ लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एमएससीडी जो है आपको यहीं पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे ही इसने बाई करने का सिग्नल दे दिया था। जो अभी इसका जो जो एमएससीडी ने बाई करने का सिग्नल दिया था वो 2817 पे ही इसने बाई करने का सिग्नल दे दिया था, और अभी तक जो है ये आपको क्लियरली बाई करने का ही सिग्नल दे रहा है। तो आपको पता है कि एमएससीडी लेट सिग्नल देता है, इसलिए हम इसको 4 आवर में कन्वर्ट करके देखते हैं, लेकिन आप लेट सिग्नल की बात छोड़िए गाइज, आपको 1 डे में ही ये क्लियरली बाई करने का सिग्नल दे रहा है। तो इसको हम एक बार 4 आवर में भी चेक कर लेते हैं गाइस, आप देख सकते हैं 4 आवर में ये 4 आवर में आपको ये भी क्लियरली बाई करने का सिग्नल दे रहा है, सेल का सिग्नल नहीं दे रहा था। इसने सेल का सिग्नल यहाँ पे दिया था गाइस, थोड़ा सा ही हल्का ही दिया था, लेकिन वापस से ये आपको क्लियरली बाई का सिग्नल दे रहा है। आप देख कर कह सकते हैं कि ये बाई का सिग्नल बिल्कुल ही दे रहा है, और अगर आप इस शेयर को बाई करना चाहते हैं, एमएसडी का कंफर्मेशन आपको क्लियर करता है, तो गाइस आप आप शेयर को बाई कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अपने टारगेट के पास ये अचीव जरूर करना चाहेगा और अपने टारगेट के पास जरूर जाएगा गाइस, क्योंकि ये जो शेयर जो है काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। वीडियो बने रहने के लिए थैंक्स गाइस, हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे लगातार जो वीडियोज आ रहे हैं गाइस आपके लिए, जो मैं लगातार अपडेट्स लाता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।